हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, जाके यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज आई बटन पे यहाँ पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आईटी के दिग्गज शेयर, देखिए आप अलग अलग शेयर के नाम सुनते हैं, देखते हैं, ओके, बट कोई भी अच्छे शेयरों से रिलेटेड और ऐसे शेयर जो छोटे शेयर हो, जो छोटी कंपनी बड़ी बन सकती है, बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, दोष कंपनी से आपको रूबरू कराया है, कैप स्मॉल कैप कंपनी है, जब भागना शुरू करेगी तो याद रखिए अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन सब कुछ यहाँ पर चार्ट में नजर आता है, तो जाके देख लीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुगर सेक्टर से रिलेटेड। शुगर सेक्टर की अगर हम बात बात करें तो आपको पता ही है शुगर सेक्टर किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देता है और किस तरीके से यहाँ पर नंबर आते हुए दिखाई दिए, तो उसी चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर सेक्टर अभी भी फॉर्म में है, एज वेल एज यहाँ पर शुगर से एथेनॉल बनाने का भी काम यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। ओके, एथेनॉल तो बन ही रहा है और यहाँ पर बहुत जल्दी एथेनॉल का यूज भी होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंपनियां सब कुछ आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न देती हुई नजर आएगी। तो इनमें से पांच ऐसी कंपनी जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ट में कुछ दिखाई देता है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। मैं बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख सके। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और जाके वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इन पर्टिकुलर शेयर में देखने वाले हैं इनके टेक्निकल, तो टेक्निकल को जरूर आपको देखना है और ये पर्टिकुलर नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उगर शुगर की। उगर शुगर की बात करें तो उगर शुगर एक बेहतरीन शेयर यहाँ पर नजर आया लास्ट टाइम जब ये शेयर यहाँ पर भाग रहा था। ओके, एट दैट मोर टाइम मैंने भी आपको ये शेयर बताया था और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पर देखें तो इस शेयर ने एक मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आया है। 2020 में आप देखें तो लगभग 12 रुपए का शेयर हुआ करता था। ओके, और बल्कि और भी कम, यहाँ पर इस शेयर 9 रुपए के आसपास हुआ करता था। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली, फिर साइडवेज, फिर अच्छी खासी रैली और ये दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बात करें तो देखिए कुछ टेक्निकल्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इसे तेजी करने के लिए, ओके, इस पर्टिकुलर लेवल से निकलना बहुत जरूरी है। 86.6, मतलब हाँ 86.75 का जो ये लेवल तोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ और कुछ टेक्निकल कैंडल्स के साथ, तो याद रखिए ये शेयर और बूम करता हुआ दिखाई देगा, भागता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये और ये वाला, ये रेजिस्टेंस को तोड़ना इसे बहुत जरूरी है। बट इसके साथ साथ जो ये लाइन बन रही है इसे भी ध्यान दीजिए, क्यों काफी बार होता है कि चीजें ऊपर जाती तो है, यहाँ से एक क्रॉस कर दिया, मान के चला कि यहाँ पर क्रॉस किया, बट शायद इस कैंडल को टच करके फिर नीचे गिर जाए। तो इस कैंडल की तरफ भी सॉरी इस लाइन की तरफ भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक वेज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज मैं यहाँ पर देखूं तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखती हुई दिखाई देगी। क्या यहाँ पर दिखती हुई दिखाई देगी? यहाँ पर दिखाई देगी आपको एक फ्लैग बनता हुआ, यहाँ पर देखिए एक फ्लैग बनता हुआ आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लैग यहाँ पर कह दीजिए या यहाँ कह दीजिए, ओके, एक यहाँ पर फ्लैग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब ये फ्लैग का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर देखिए ये लाइन है, ओके, इससे यहाँ पर चीजें ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर फिर ब्रेकआउट होता हुआ एक लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और इस लाइन की तरफ आपको ध्यान देना है। और तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आ सकती है, तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि शेयर गिरा तो सही आज भी, बट एक यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट लिया हुआ दिखाई दिया और बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है ये वाला। अगर ये जो लाइन दिखाई दे रही है अगर इससे यहाँ पर नीचे आता है तो यहाँ पर फिर आपको शेयर बेचना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर अगर आप नहीं बेचेंगे तो शेयर ये 55 और उसके बाद यहाँ पर ये 39 रुपीज तक आने की पूरी काबिलियत रखता है और शायद आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक रैली के बाद चीजें गिरती हुई नजर आती है तो अच्छी खासी गिरती है, बट ये शेयर मुझे भागता हुआ दिखाई दे रहा है और रिजल्ट शायद इसके आने वाले हैं और रिजल्ट एक बार देख लीजिएगा। तो रिजल्ट से पहले शायद ये हरकत करे और आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। तो उगर शुगर की तरफ आपको ध्यान देना है, ऑल टाइम फेवरेट यहाँ पर स्टॉक रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट टाइम के जो रिजल्ट थे वो काफी बेहतरीन थे, काफी इंप्रेसिव रिजल्ट थे, तभी मैंने आपको ये शेयर बताया भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिन अच्छा खासा आया था कंपनी का, यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया था। उगर शुगर की तरफ आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक और स्टॉक की, बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी आपको बताइए,
काफी बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक्स रहा है, इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर रिटर्न, फिर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बार बार गिर तो रहा है बट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और वो सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट नजर आता है 435 का। 435 का अगर सपोर्ट टूटा तो शायद चीजें यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गिर सकती है। और ये गोल्डन रेशो जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये गोल्डन रेशो के आसपास यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली शेयर यहाँ से घूमता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है कि ये कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है और चीजें निकलती है तो ऊपर की तरफ जा सकता है शेयर। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है, अलग अलग यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आते हैं। अच्छे रेजिस्टेंस की अगर बात करूं, अगर चीजें गिरी तो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस नजर आता है, तो थोड़ा बहुत और गिरावट 40 पॉइंट की हो सकती है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी नजर आता है। बट हम बात और सॉरी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस मुझसे निकल गया, बट अच्छा रेजिस्टेंस को यहाँ पर दिखाई देता है ये 482 का। अगर इसे क्रॉस किया तो ये इधर की तरफ जाएगा 528, और 528 को क्रॉस किया तो एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये शेयर भी अच्छे रिजल्ट पेश करके आपको चौंका सकता है, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे शुगर स्टॉक्स फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिसका नाम है द्वारिकेश। द्वारिकेश शुगर के रिजल्ट आ गए हैं, ओके, कल पता ही नहीं परसों यहाँ पर इसके रिजल्ट आए थे, और इसके रिजल्ट मैं आपको खुद दिखा देता हूँ। इसके बेहतरीन रिजल्ट थे, सेल्स बेशक से यहाँ पर कम हुई है, ओके, यहाँ पर इनका रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टरली एनुअली दोनों बेसिस पे, ओके, बट कंपनी ने एक्सपेंस को कम करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर कर दिया है, और मार्जिन को भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे कर दिया है, जिस वजह से चीजें अच्छी नजर आती है। तो देखिए सेल्स कम हो जाना ठीक है, बट अगर यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ जाते हैं ना तो ये शेयर गिर जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। आज भी गिरा है, आज गिरा है मार्केट की वजह से गिरा है, क्योंकि मार्केट पूरा ही दबाव में थी, बट मुझे लगता है कि ये शेयर एक बेहतरीन रिटर्न्स और रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। एक सपोर्ट पर यहाँ पर चल रहा है, ओके, और ये अगर ये इस लेवल को तोड़ता है जो इसका आज का लो था, अगर इसे तोड़ता है और नीचे गिरता है तो याद रखिए शेयर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई देगा, जो इसे पहले 1004 और फिर इसके बाद यहाँ पर ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये दो यहाँ पर इसके सपोर्ट नजर आते हैं, बट यहाँ पर शेयर यहाँ पर शायद यहाँ पर रुक के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए है, और आने वाले टाइम में ये शेयर आपको अगर ये लेवल नहीं यहाँ पर नहीं तोड़ता और आपको रिटर्न्स दे देता है ये भी, तो 27% के रिटर्न मिलते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 27-28% के जो रिटर्न बन रहे हैं इजीली बनते हुए नजर आएंगे। और देखिए ये भी सपोर्ट बनता था, तो इसी सपोर्ट के आसपास ये शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस ये वाला नजर आता है। इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को निकालना बहुत जरूरी है, ओके, इस रेजिस्टेंस को निकाला तो चीजें और बेहतर होती नजर आएगी, और शेयर और भी ज्यादा तेज यहाँ पर भागता हुआ नजर आ सकता है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट क्या थे, एकदम बेहतरीन थे, और चीजें रिजल्ट के बाद गिरती है तो याद रखिए मौका होता है खरीदने का। तो इसकी तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा बार बार आप कह रहे होंगे मैं रेणुका शुगर की बात कर रहा हूँ, तो रेणुका शुगर की बात करने के पीछे का रीजन ये है कि बार बार अपनी सपोर्ट को सब यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पर बार बार आती है सपोर्ट पे टच करके फिर ऊपर चली जाती है। आज की गिरावट थी, गिरा गिरा शेयर और यहाँ पर सपोर्ट को टच करके फिर ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। तो जिस तरीके के ये कैंडल्स बना रहे हैं, ओके, अगर ये शेयर इस कैंडल को टच ऊपर की तरफ यहाँ पर निकाल देता है और ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, तो ये रेजिस्टेंस है 62 का, ऊपर रेजिस्टेंस नजर आता है 62.80 रुपए का। ये क्रॉस किया, एक बेहतरीन रैली आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि शेयर काफी बेहतरीन यहाँ पर देखिए ऊपर भाग रहा है फिर गिर रहा है फिर ऊपर भाग रहा है फिर गिर रहा है, इस तरीके से आपने अडानी विलमार में भी देखा था, तो इसी तरीके से ये चार्ट पैटर्न बनाते हुए चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो रेणुका शुगर की तरफ ध्यान देना है, सपोर्ट ये है, और इस सपोर्ट को अगर इसने तोड़ा तो याद रखिए चीजें यहाँ पर सीधे नीचे गिरती हुई दिखाई देगी और शायद 40 रुपए तक भी आ सकती है। तो ये रेणुका शुगर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का यहाँ पर काम होगा, दोनों को देखिएगा, सब यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा के काम करना है दोनों पर, और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, विश्वराज, ओके, विश्वराज शुगर एक बेहतरीन शुगर स्टॉक से आपको मैं खुद ही दिखाना चाहता हूँ, ओके, और ये शेयर मैंने आपको बहुत पहले बताया था, तब से अगर मैं बात करूं तो ऊपर नीचे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, और एक
कंसोलिडेशन जो मोड होता है, कंसोलिडेशन पीरियड होता है, कंसोलिडेशन रेंज होती है, उस रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लास्ट टाइम के रिजल्ट हाईएस्ट यहाँ पर काफी बेहतरीन, यहाँ पर इस कंपनी के सेल्स होती हुई दिखाई दी थी। कंपनी का प्रॉफिट 44 करोड़ का, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्जिन देखिए क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पर थोड़ा सा कम था, बट क्वार्टरली बेसिस पर काफी बेहतरीन मार्जिन था। इस वजह से शेयर शायद एक रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, बट इस बार के जो रिजल्ट आएंगे तो 12% का यहाँ पर मार्जिन था, तो शायद जो अगले रिजल्ट आएंगे द्वारिकेश के हमने देखे ही है, तो मार्जिन अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अच्छे खासे मार्जिन आए तो शेयर यहाँ पर बूम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर यहाँ पर एक रेंज में यहाँ पर देखिए गिरा, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान तो देना है, बट इसके कुछ यहाँ पर सपोर्ट और रेंज में आप रेजिस्टेंस बता देता हूँ ताकि आपको पता। देखिए बार बार इसी रेंज में आके ओके okay, इसी रेंज में आके ओके okay, इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट करता है, चीजें गिरती है। इसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया ओके okay, थोड़ा सा ऊपर निकला लोगों को फंसाने के लिए, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर ऊपर गया, इसी को टच करके नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, फिर इसे टच करके नीचे आया। तो इसकी एक रेंज बनी हुई है, इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से पकड़ा हुआ है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, और एक बार ये क्रॉस हुआ तो ये और एक ये 2475, दो ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों को क्रॉस किया तो शेयर सीधे यहाँ पर 3300 रुपए और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। तो शायद इसके लिए हमें पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है थोड़े बहुत टाइम का, बट मुझे एक साल के अंदर अंदर ये रिटर्न्स मिलते हुए नजर आते हैं। और नीचे के सपोर्ट की बात करूं तो नीचे का सपोर्ट यहाँ पर ये खुला हुआ है, ये वाली रेंज का 20.05 रुपए का ओके, अगर ये यहाँ तक जब तक है इसे टच करके शायद ऊपर जाए, और इसी रेंज में देखिए ये घूमता हुआ नजर आ रहा है काफी टाइम से, काफी टाइम का मतलब है काफी टाइम से, लगभग फेब 2022 से ओके 2-3 महीने हो गए, और इस रेंज को यहाँ पर तोड़ा तो ऊपर की तरफ, और इस रेंज को तोड़ा मतलब यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ा तो चीजें यहाँ पर नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर एक ये और 1955 का यहाँ पर लगा लीजिएगा, इन दो अगले लेवल से नीचे निकला तो चीजें गिरती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोनों की तरफ ध्यान देना है, रिजल्ट की तरफ ध्यान देना है, और शेयर दोनों सबके सब यहाँ पर बेहतरीन है। शुगर स्टॉक्स मोस्टली यहाँ पर बेहतरीन नजर आते हैं, वॉल्यूम काफी बेहतरीन है, सब चीज यहाँ अच्छी नजर आती है, और एथेनॉल का यूज हो गई होगा, और कंपनी यहाँ पर बड़ी है, स्मॉल कैप और स्मॉल कैप को मिड कैप बनना ही है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। ये 5 स्टॉक्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये शेयर यहाँ पर इस रेंज में चल रहे हैं, ये चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ताकि आपको चीजें समझ में आए, यहाँ पर आप टेक्निकल भी समझ सके और यहाँ पर इसके फंडामेंटल भी समझ सके, इनके रिजल्ट देख सके, और जब चीजें ऊपर निकलेगी तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करना, और यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियोस यहाँ पर रिलीज हो गई है, जाके देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।